नमस्कार दोस्तों दोस्तों आजकल सब लोग निरोगी हेल्दी रहने के लिए या स्वास्थ्य आपका टिकाने के लिए बहुत कुछ अलग अलग प्रकार के उपाय करने के पीछे पड़े हैं। और क्यों ना पड़े, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ा आपका धन है आपके पास। दोस्तों इसके लिए आयुर्वेद में इतना बड़ा खजाना है, जैसे जानकारियों का खजाना है, आप अगर उससे फॉलो करते रहेंगे, उसका अनुसरण करते रहेंगे, तो आपको बिना कोई रुपया खर्च किए हुए आपको आपका स्वास्थ्य भी मिलेगा। और दूसरी एक चीज है महत्वपूर्ण, जो दीर्घायु बनना, तो दीर्घायु बनने के लिए आपको आयुर्वेद में क्या करना है, दिनचर्या ऋतुचर्या ये तो है ही, लेकिन उसके अलावा आप दीर्घायु बनने के लिए क्या कर सकते हैं बिना कोई खर्च किए हुए। आप सिर्फ इन तीन उपस्तंभों का अगर ठीक तरीके से पालन करते हैं तो आपकी आयु लंबी हो जाती है। दीर्घायु रहना मतलब आपकी दीर्घ आयु होना, दीर्घ मतलब लंबी और आयु मतलब आपकी उम्र। तो आपकी आयु को अगर, उम्र को अगर लंबा करना है, मतलब आपको अगर 80 90 100 साल जीना है, और सिर्फ आयु को दीर्घ करना ही नहीं लेकिन वो दीर्घ आयु रहते हुए आप हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, इसके जो तरीके बताए हैं, इसके लिए जो मूलभूत तत्व बताए हैं कुछ, अगर उसका आप पालन करते हैं तो आपको निश्चित ही स्वस्थता भी प्राप्त होगी और दीर्घायु भी मिलेगी। तो देखते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, दीर्घायु के लिए क्या विधान आयुर्वेद में किया गया है। आहार, अन्न सेवन या अन्नपान जो करते हैं अपन, उसके लिए आहार एक शब्द प्रयोग है। दूसरा है शयन, शयन यानी निद्रा, या उसे स्वप्न भी कहा जाता है। और तीसरा है ब्रह्मचर्य या मैथुन। तो ये जो तीन उपस्तंभ आयुर्वेद में बताए गए हैं, इनका अगर प्रतिदिन युक्तिपूर्वक प्रयोग करने से, जिस प्रकार स्तंभ जो पिलर रहते हैं, जो मकान को धारण कर सकते हैं, अपने बिल्डिंग को धारण करने के लिए पिलर्स रहते हैं दोस्तों, तो वो पिलर जैसे आपके मकान को धारण करते हैं, वैसे ही ये तीन स्तंभों का अगर आप पालन करेंगे तो ये तीन स्तंभ आपके शरीर को धारण करेंगे और आपकी दीर्घायु होना लगभग तय है। ये आयुर्वेद में मेन प्रधान जो तीन स्तंभ बताए गए हैं वो वात पित्त कफ है। ये तीन स्तंभ है प्रधान, और अप्रधान स्तंभ ये आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य है। तो इनके लिए खास कुछ करना नहीं है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके नियम जो है, आहार कितना लेना चाहिए, आहार कितनी बार करना चाहिए, कितनी रोटी खानी चाहिए, खाने में क्या क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सब बातें हैं। ऐसे बहुत से बारीक बारीक जानकारियां है जो आयुर्वेद में बताई गई है और उसको आपके लिए जानना जरूरी है। विरुद्ध आहार है, उससे आप लेंगे तो उससे नुकसान क्या होता है, और उसके नुकसान से बचना है तो हम उसके लिए क्या करें, ये सब बारीक चीजों का आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है। दोस्तों अगर हम तीन उपस्तंभों की बात करें, तो आज तो सब इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा इन उपस्तंभों के बारे में, क्योंकि अगर ये तीनों उपस्तंभों को आपको ठीक तरीके से सुनना है या देखना है, जानना है, तो फिर आपको उसके लिए बहुत वक्त लगेगा। तो वो पार्ट पार्ट में मैं वीडियो बना के आपको अपलोड करता रहूंगा। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको तुरंत देख पाएंगे। तो
इन तीन उपस्तंभों का अगर हम ठीक तरीके से पालन करते हैं तो हमारा जो बल है मतलब ताकत है, वर्ण है मतलब जो निखार है, सौंदर्य जिसे बोल सकते हैं आप, और उपचय है मतलब शरीर में जो अपना चय उपचय की प्रक्रियाएं होती रहती है, वो सब आपका ठीक तरीके से चलता है। ये चलने के लिए अभी पहले सबसे इन तीन उपस्तंभों में आहार को प्रधानता दी गई है। आहार क्यों प्रधानता दी गई है उसको, क्योंकि आहार से ही रस की उत्पत्ति होती है और वातादि दोषों की उत्पत्ति और धातु अपने सप्त धातु जो है शरीर को धारण करने वाले उनका भी निर्माण आहार से ही होता है। आहार के अभाव में शरीर की स्थिति रह ही नहीं सकती दोस्तों, इसीलिए आहार सबसे पहले आता है। दूसरी बात है, दूसरा उपस्तंभ जो है वो निद्रा है। यदि प्राणी नियमित रूप से अपने सभी कर्म करते हुए यथाकाल उचित रूप में निद्रा का सेवन न करे तो स्वास्थ्य की हानि तथा मृत्यु तक भी संभाव्यता है। इतना गंभीर है दोस्तों, जो कि हम बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं इस चीज को, क्योंकि कार्य करने के बाद शारीरिक यंत्रों को विश्राम देने के लिए निद्रा की अत्यधिक आवश्यकता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको निद्रा कब करनी है, कितने घंटे करनी है, दोपहर में करनी है या नहीं है, रात में जाग सकते हैं या नहीं जाग सकते हैं, सुबह में सो सकते हैं, सोना है तो खाली पेट सोना है या खाना खाके सोना है, ये सभी बारीक बारीक जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं दोस्तों, इसका सबका एक्सप्लेनेशन मैं उसके कारण सहित आपको हर वीडियो में बताते जाऊंगा। आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसीलिए शॉर्ट में हमने इसे देखा है। दूसरा है दोस्तों निद्रा के बाद में तीसरा आपका उपस्तंभ आता है, वो है मैथुन, ब्रह्मचर्य। दोस्तों ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचिंता अर्थ भी लिया जाता है, परंतु यहाँ ब्रह्मचर्य का तात्पर्य शुक्र रक्षा से है। शुक्र रक्षा, आहार का सार शुक्र होता है, उसकी रक्षा से आहार का फल शरीर में होता है। अगर उसका ज्यादा मैथुन से शरीर में क्षीणता हो जाती है, बल की क्षीणता हो जाती है, इसके लिए भी आयुर्वेद में सटीक नियम बताए गए हैं कि मैथुन कर्म कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मैथुन ही न करें वो ब्रह्मचारी रहते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये आप परिवार में रह के भी उसके गृहस्थाश्रम बोलते हैं, गृहस्थाश्रम में रह के भी संतानोत्पत्ति के लिए अगर आप नियमित मैथुन करते हैं तो वो ब्रह्मचर्य का बाधक नहीं माना गया है। इसलिए वो मैथुन के बारे में आप अगर उसका अति प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर का क्षीण होना और जल्दी नष्ट होना तय है दोस्तों। इसके लिए इसका भी पालन आयुर्वेद में बताए गए तरीकों से करना चाहिए। ऋतु के अनुसार, अपने बल के अनुसार ये सभी बातें आयुर्वेद में सविस्तर बताई गई है और इसका विवेचन हम अगले हर वीडियो में करने वाले हैं। तो आप बने रहिए दोस्तों और इन सब बातों को आप ध्यान से फॉलो कीजिए, स्वस्थ रहिए और दीर्घायु बनिए दोस्तों। धन्यवाद।